हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बच्चों, दोपहर के बज गए हैं, दोपहर के नहीं, दोपहर के बज गए हैं 2:30। बच्चा आ गया पीछे। और बच्चों, आज मेरा मूड है बहुत अपसेट। वो गिरा देगी सारा प्रसाद। मेरा मूड बहुत अपसेट है। कशिश ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इन लोगों को ना पता नहीं, यही समझ नहीं आती कैसे समझाऊं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कभी इनका खाने को लेके झगड़ा, कभी इनका, एक मिनट में लाइट ऑन कर दूँ, कभी इनका खाने को लेके झगड़ा मेरे से कि मतलब ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। अब दो दो तीन तीन सब्जियां बनाने की मेरी हिम्मत नहीं रहती। कभी खाने को लेके झगड़ा, कभी पहनने को लेके झगड़ा, कभी घूमने नहीं जाने दे रही उसको लेके झगड़ा। मैं परेशान हो गई उसकी चिक 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 से। आप लोगों को मैं बताती नहीं हूँ ये मुझे कितना परेशान करते हैं। और ना अभी सुबह सुबह इससे मेरा जम के झगड़ा हो गया और मेरा ना दिमाग ख़राब करके रखा। और एक तो इन दोनों बहन भाइयों को यही लगा रहता है कि मैं बस प्रेरणा को, यानी निशी को ज़्यादा समझती हूँ, ज़्यादा समझती हूँ। ये मेरा नोना बच्चा आ गया। नोना हाय कर। हाय। नोना लड्डू खा रहा है, नोना प्रसाद खा रही है। और मैंने बनाया था रात को साग। जब सबको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करती ही नहीं इनके लिए, तो फिर मैं अब यही करूँगी। तो मैंने फिर बोला जिसको खाना है वही खाएगा, क्योंकि रात को कशिश ने नहीं खाया तो उसके लिए मैंने पालक पनीर बनाया। और फिर भी उसको लगता है कि मैं उसके लिए स्पेशली कुछ नहीं करती। पूरे घर ने साग खा लिया था, अंशु ने, प्रेरणा ने, मैंने, अंकल ने आपके, लेकिन उसने नहीं खाया तो उसके लिए बनाया। लेकिन फिर भी अगर उसे ऐसे ही लग रहा है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है बच्चों इतना करने के लिए। अगर आप लोग भी मुझे कमेंट करके बनाना, आपको लगता है कि मैं नहीं करती, आप लोगों को ये लगता होगा, आपके घर में भी मम्मियाँ हैं, मौसियाँ हैं, बुआ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, तो आप पूछ के देखना। ऐसा होता है कि किसी बच्चे की केयर ज़्यादा होती है। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं इनका नहीं देखती हूँ। खाली कशिश के लिए मैंने रात को 12:30 बजे पालक पनीर बनाया। फिर भी ऐसा लगता है, सारा दिन मेरे से चिक 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 करती रहती है, बहुत मूड अपसेट हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इसे कमेंट करके समझाओ उसके ब्लॉग में कि वो ऐसा ना करा करें। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मतलब ना घर का ना आपसे क्या वो करूँ। आप लोगों को लगता है कि सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। घर का माहौल ना कशिश ने बहुत ख़राब कर रखा है, मैं बता रही हूँ आपको। और आप कशिश को भी बोल ही सकते हो, अंशु हट, अंशु हट। तो आज मेरा बहुत झगड़ा हुआ कशिश से। लाइनिंग क्या आ गई है, दूसरी लाइट जला, आप इसे समझाओ। मुझे बहुत परेशान करती है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं करती। वो आप देख लो, आज इसको लगी है पिटाई सुबह सुबह। अब बोल रहे मैं करा नहीं, रात को तेरे लिए स्पेशल खाना नहीं बनाया मैंने। 12:30 बजे उठ के मैंने इसके लिए पुनीत खाना बनाया, 12:30 बजे पालक पनीर मैंने साग बनाया था। तो समझा ना यार इसको थोड़ा, तेरे से बात कर रही हूँ मैं, समझा थोड़ा उसको यार। ये मतलब का सुबह सुबह झगड़ा मचा रखा है, थोड़ा बोलो यार तुम लोग यार दोस्तों। पम्मी को भी मैंने बोला, पम्मी आए थे, मैंने कहा यार समझाओ थोड़ा प्रेरणा को भी, सुबह से झगड़ा मचा रखा है, मैं परेशान हो गई हूँ। गुन्नू देखो, ये जमाना आ गया, माँ बाप बच्चों से बात ना करे समझ आता है, ये बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे। नहीं करनी, ना कर, अब नहीं समझना तो ना समझ। देखो बच्चों, अब इतना ज़्यादा हो गया, अब मैं कशिश को ना आप लोगों के सामने मारने वाली हूँ। तो पंगा कर रही है, ज़्यादा बात नहीं कर रही, ड्रामा कर रही है, मुँह बना बना के घूम रही है घर में। ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ, तो आप बार बार ये ब्लॉग क्यों लेके आ रही हो मेरे पास? बच्चे हो ना तो बच्चे बन के सुन रही है। कभी कभी आप लोग लिखते हो ना, कशिश दीदी अच्छी है, कोई अच्छी नहीं है, देख लो कैसे ड्रामे कर रही है, ऐसे कर रही है। और देखो मेरे लिए कितने सारे झुमके आए हैं आज, मेरे लिए है ना ये। नहीं बोल रही, देखो नहीं बोल रही, मैं पहनती नहीं, आप लोगों को पता है। मत कर भाई, मत कर, देखते हैं कब तक नहीं करेगी। कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई है तू? मैं नहीं आपसे बात करना चाहती, तो आप भी मुझसे मत बात करो। ज़्यादा ज्यादा हो रहा है क्या? है अब अच्छा नहीं लग रहा यार मेरे को, बहुत जब दूर चली जाऊंगी ना सबसे तब पता लगेगा। दूर तो जाएगी, सब बेटियां जाती है अपनी माँ से दूर। देखो उसकी बातें, शादी से पहले चली जाएगी, शादी से पहले चले जाएगा ना, टांगे ना तोड़ेगी। हाँ भेजू घर छोड़ के, बकवास कर रही है। तो बच्चों आज ना कशिश मेरे से नाराज़ है। तो प्रेरणा जा रही थी कमला नगर, तो उसको भी ले गई, क्योंकि आज उसने 2 बार मेरे से पिटाई खा ली। आज पता नहीं क्यों मेरा बीपी इतना ही हो रहा है और परेशान करे जा रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरा भी मन दुखी हो रहा है, मैंने उसको इतना ज़्यादा बोल दिया। पता नहीं गलती उसी की थी, मैं आपको बताऊँगी तो, लेकिन फिर भी मतलब नहीं मानते बच्चे तो मुझे लग रहा है। तो फिर ना वो अभी कमला नगर ही, मैंने उसे हैप्पी करने के लिए उसके मनपसंद का सारा खाना बनाया। खाने का ही सारा रफड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया।
तो बच्चों मैंने बनाया है यहाँ पे पनीर जो कि कशिश को बहुत पसंद है, और पूड़ियाँ बना ली हैं, और यहाँ पे मैंने आलू की भुजिया बनाई है जो उसको बहुत पसंद है ना, और दही तो मैं रायता डाल रही हूँ क्योंकि कशिश को रायता और मीठी लस्सी दोनों बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए मीठी लस्सी भी बनाऊँगी और रायता भी बनाऊँगी, तो शायद वो हैप्पी हो जाएगी। वो हम क्या करें बच्चों, हम पेरेंट्स का भी ना, मैंने ये वाला मंगाया, ये दही उसको बहुत पसंद है, मन नहीं करता गुस्सा करने का लेकिन आप लोग परेशान करते हो तो करते हैं, तो मैंने पूड़ियाँ उड़ियाँ सब बना के रख ली हैं, आज जल्दी खाना और वो आएगी तो मैं उसको खाना दूँगी, हैप्पी हो जाएगी वो। बच्चों रिसेंटली मुझे याद आया कि कशिश को तो सेवियाँ बहुत पसंद है, तो मैंने फटाफट से अंशु से सेवियाँ मंगाई हैं और मैं वो भी रेडी कर रही हूँ, और जब बन जाएंगी ना तो आपको दिखाऊँगी कितनी सुंदर। और मतलब ना कशिश को ना मलाई वाली नहीं पसंद बिल्कुल भी कि मलाई आए उसमें, तो मैं बिना मलाई की बना रही हूँ क्योंकि मैं पहले पानी में बॉयल करके फिर उसके बाद उसमें मिल्क मिलाऊंगी, बिल्कुल भी मलाई नहीं आनी चाहिए उसे, बिल्कुल मलाई वाली सेवियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे को याद आया ना मैंने सोचा आपको बताऊंगी मैं सेवियाँ भी बना रही हूँ। तो बच्चों कशिश आ गई है और यहाँ सब कुछ फेवरेट उसकी सेवियाँ भी मैंने बना ली है, मैंने आप लोगों को कहा था दिखाऊंगी बिना मलाई वाली, और उसकी फेवरेट मलाई वाली लस्सी सब बना लिया रायता, और मैं उसको बुलाती हूँ वो शायद हैप्पी हो जाएगी। भाई गेट बंद करके पड़ी है गुन्नू, खाने के मारे करती मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, चल देख ले क्या है। आज सुबह से इतना टाइम मैं परेशान हो रही हूँ ना, चला तेरे को बहुत वो लग रहा था ना, अच्छा खाना नहीं बनाती तेरे लिए, एक दिन मैंने खाली नहीं तेरी सुनी तो तू ऐसे करी, सुबह से मेरे को बहुत बैड फील हो रहा है, फिर मम्मी तो मारती है सबकी, मैं देख रही हूँ ना तू कितना ड्रामा कर रही है मेरे साथ, चल क्या हाँ चल दिखा, देख तो मैंने तेरे लिए क्या बनाया, तेरे को अच्छा लगेगा देख के, चल सब कुछ तेरे मनपसंद का बनाया है, चल सॉरी ना, ये मुझे नहीं पसंद, आलू वाली भुजिया है, दही मैं लेके आ रहा हूँ तेरे लिए स्पेशल, अरे ऐसे क्यों कर रही है यार, बाद में क्या होता है, हाथ रोक देख ले फिर वही कर रही है निशी, फिर ड्रामा ज्यादा नहीं हो रहा। हेलो बच्चों कैसे हो आप सब, ठीक हो? तो मैं ये जो वीडियो डाला है मैंने अभी जो वीडियो अपलोड करा है मैंने, ये कशिश के जो आपकी दीदी ने नादानी करी उसके जाने से पहले वाला वीडियो था, और बस इतना सा झगड़ा था, और ये 3 दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं आपको, 3 दिन से मैंने भी नहीं डाला था, तो मेरे को लगा कि मैं इसको डाल दूं कि देखो इसके जाने से पहले मैंने इतना इसको पहले ही किया था, और शाम को फिर भी इसने हरकत कर दी, और बाकी आज सैटरडे है तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको मिलते हैं और उसमें दिखाएंगे आपको, हाँ नहाने गई है, तो आज सैटरडे है गुरुद्वारे जा रही हूँ, और मैंने कुछ अरदास भी की थी तो उसके लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ, तेज बोलो कर, प्रेरणा कह रही है तेज बोलो, तो आ जाएगी आवाज़। हेलो गाइस ऐसे, अच्छा तो इस वीडियो का मैं यहीं पे अब एंड करके डाल रही हूँ, अब समझ नहीं आ रहा इसको स्टार्टिंग में डालूंगी या पहले डालूंगी, लेकिन जाने ये 3 दिन पहले से ही मेरे पास पड़ा था, जिस दिन कशिश दीदी शाम को आपकी नाराज़ होके गई हैं, बाकी आपको अगली वीडियो में मुझे भी कुछ बातें करनी है आप लोगों से, तो मन की बात के साथ मिलूंगी अगली वीडियो में, बाकी मैं अपना प्रसाद की तैयारी कर लूँ, टाटा बाय बाय लव यू।